राधा विनोद पाल एक ऐसे भारतीय हैं जिन्हें जापान के लोग पूजते हैं और इनकी जापान में यासुकुनी मंदिर तथा क्योतो के योर्जेन गोकोकु देवालय में स्मारक बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्यों जापान के लोग इनको भगवान की उपाधि देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सन 1946 में विजेता देशों ने एक कानून बनाया जिसका नाम दिया गया क्लास ऑफ वॉर क्राइम्स, जिसमें अटैक करने वाले देशों को शांति और मानवता का अपराधी माना गया, जिसके अकॉर्डिंग जापान को अपराधी करार दिया गया और इस पर टोक्यो ट्रायल्स नाम का एक मुकदमा जारी किया गया और वहां के प्रधानमंत्री के साथ 24 और नेताओं व सैन्य अधिकारियों को बंदी बनाकर कटघरे में खड़ा किया गया। इस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में वर्ल्ड के 11 जज शामिल थे। चूंकि ये मामला एशिया का था, इसलिए इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के न्यायाधीश राधा विनोद पाल को बुलाया और एक जज जापान के फिलीपींस से बुलाया गया। इस केस में 10 न्यायाधीशों ने जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो को मृत्युदंड करार दिया, लेकिन राधा विनोद पाल न केवल इसके विपरीत गए बल्कि इस केस को ही गलत बताया और कहा कि किसी घटना के बाद उसका कानून बनाना गलत है। कैन यू फील दिस मोमेंट, जब सभी देश विजेता देशों से डरते थे और उनके फैसले को एक्सेप्ट करते थे, तब भारत के सिर्फ एक भारतीय ने 10 ज्यूरिस्ट के खिलाफ जाकर अपना एक अलग मानवता से परिपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि युद्ध के सभी अपराधी निर्दोष हैं और किसी घटना के बाद उसका कानून बनाना सरासर गलत है, और उनके इस फैसले को सभी ने एक्सेप्ट किया और सभी बंदी सैनिकों के साथ वहां के प्रधानमंत्री को भी छोड़ दिया गया। हालांकि इसके लिए जापान को कुछ टैक्स देना पड़ा था और इस प्रकार जब जापान का कोई साथ नहीं दे रहा था, सब उसके खिलाफ थे, तब भारत के एक भारतीय ने मानवता को ध्यान में रखते हुए जापान के हित में एक ऐसा फैसला रखा कि सभी देशों ने उसे एक्सेप्ट किया और इसीलिए जापान के लोग इन्हें भगवान की उपाधि देते हैं और इनकी पूजा करते हैं। नाम व पहचान बनाने की इस भागदौड़ में कई ऐसे भी शख्स होते हैं जिन्हें उनको अपने देश में वो पहचान नहीं मिल पाती जो दूसरे देशों मिलती है, और उन्हीं शख्स में से एक थे राधा विनोद पाल। शायद अभी भी भारतीय इनको नहीं जानते, लेकिन जापान का हर एक नागरिक इनको जानता है। 27 जनवरी 1886 को बंगाल में जन्मे इस भारतीय ने 80 वर्ष की उम्र में 10 जनवरी 1967 को इस संसार को छोड़ दिया। राधा विनोद पाल एशिया के उन 3 जजेस में से एक थे जिनको इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट द टोक्यो ट्रायल्स ऑफ जापानीज वॉर क्राइम्स में अपॉइंटेड किया गया था। और जब 2007 में जापान के प्रधानमंत्री भारत आए, तब उन्होंने इनके पुत्र से कोलकाता में मुलाकात की और तस्वीरों का आदान प्रदान भी किया। अगर आप एक भारतीय हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ इसलिए लाइक कीजिए कि आपने एक ऐसे भारतीय के बारे में जाना है जिससे ये भारत अनजान था, और इस वीडियो को सिर्फ इसलिए शेयर कीजिए कि इस शख्स से भी हम भारतीय अनजान ना रहे। और ऐसे ही नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, सबसे अहम बात, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो पास में लगा बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस कर ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।